सही लोग का क्राइटेरिया क्या है? हमने बार बार कहा है कि सही लोगों का क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो बहुत बड़े डिग्री धारक हो। सही लोगों की क्राइटेरिया ये है कि समाज किसको सही मानता है। प्रश्न ये नहीं कि वो नाइन्थ पास नहीं है, क्योंकि कई बार परिस्थितिवश आपकी जो पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से आपको संभव है कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री न हो। मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद अगर आप 9वीं क्लास पास नहीं करते हैं तो आपकी योग्यता से बढ़कर ये इस बात को दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, शिक्षा को लेकर आपकी सोच क्या है। कि जो भी प्रत्याशी चार खड़े हैं जन सुराज के, आप उनके बारे में समाज में जाकर पूछ लीजिए। वो बालू माफिया नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो किसी बड़े बाप के लड़के नहीं है, उनके माँ बाप किसी विधायक मंत्री वो विधायक मंत्री के लड़के बच्चे नहीं है, वो समाज के सामान्य परिवारों के लोग हैं। कि जो जन सुराज का मोटो है, जो स्लोगन है कि सही व्यक्ति और सही सोच का व्यक्ति और सब समाज के सामूहिक प्रयास, जो तीन बात है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग का क्राइटेरिया क्या है? हमने बार बार कहा है कि सही लोगों का क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो बहुत बड़े डिग्री धारक हो। सही लोगों की क्राइटेरिया ये है कि समाज किसको सही मानता है, किसने समाज में रहकर कुछ काम किया है। अगर जो लोग ये कह रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि मैंने तेजस्वी जी के 9वां पास नहीं होने की बात उठाई है, तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि सवाल ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं कि वो 9th पास नहीं है, क्योंकि कई बार परिस्थितिवश आपकी जो पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से आपको संभव है कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने समाज में कुछ काम ना किया हो। दूसरी बात कि तेजस्वी जी जैसे उनके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे, जिनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद अगर आप 9वीं क्लास पास नहीं करते हैं तो आपकी योग्यता से बढ़कर ये इस बात को दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, शिक्षा को लेकर आपकी सोच क्या है। तो उन दोनों बातों को अलग करके देखिए। जो भी प्रत्याशी चार खड़े हैं जन सुराज के, आप उनके बारे में समाज में जाकर पूछ लीजिए। वो बालू माफिया नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो किसी बड़े बाप के लड़के नहीं है, उनके माँ बाप किसी विधायक मंत्री वो विधायक मंत्री के लड़के बच्चे नहीं है, वो समाज के सामान्य परिवारों के लोग हैं। जन सुराज की पूरी ताकत लगकर उनके साथ उनको चुनाव लड़ा रही है और जनता के सामने एक पहली बार पिछले 25-30 सालों में एक विकल्प है कि वो राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को जो वोट देते रहे हैं उससे अलग हटकर किसी अन्य दल या नेता का चुनाव करें।